ज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूर्खं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यमिश्रं परमानंद माधवं। पानी कोई लाया था ना जरा? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। अध्याय का शीर्षक है तो सबसे पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, गच्छ वृंदावनम गौर व्याघ्र भैण खगान प्रेमन्मत्त स्नहो प्रत्य मृदधे कृष्ण जल्पिनः। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों हाथियों हिरणों तथा पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत्त हुए उठे बोले हरि बोल। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, शरत काल होइल प्रभु रो चलित होइल मति रामानंद स्वरूप संगे निभृते युगति। जब शरत ऋतु आई तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। तो चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है और जगन्नाथपुरी में शरद ऋतु जब आई तो उनका मन हुआ
कि अब जो है कहाँ जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन धाम की। तो उन्होंने ऐसे करके, तो उनके जो दो बहुत ही अंतरंग पार्षद थे, एक है रामानंद राय और दूसरा है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो रामानंद राय जो है वो कौन है, विशाखा, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है ललिता। ललिता देवी का जन्मदिन था ना, कल था ना, कल था। तो उन दोनों को बुला के परामर्श किया, मोरा सहाय करो यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी आया देखी श्री वृंदावन। महाप्रभु ने रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अनुरोध किया कि वो उन्हें वृंदावन जाने में सहायता करें। क्या एटिकेट है, क्या आचरण है कि नहीं? भगवान होते हुए क्या कर रहे हैं, अपने पार्षदों से अनुमति मांग रहे हैं कि अगर आप मेरे सहायता करोगे तो मैं वृंदावन जा सकता हूँ। और हमारे कुछ भक्त होते हैं वो मुँह उठा के चले जाते हैं, मैं कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं, तुरंत उठ के चले जाते हैं कि नहीं, जाने के बाद मुझे मैसेज करते हैं, प्रभु जी हम वृंदावन आए, आशीर्वाद दीजिए। अब जब पहुँच गए हो और किस चीज़ का आशीर्वाद है। तो महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु जो है जीवर आचर्य प्रभु, क्या कहते हैं, अपनी आचरी करी प्रभु जीवर सिखा रहे, आचरण करके सिखा रहे हैं महाप्रभु। रात्रे उठी वन पथे पलाया जाबो, एकाकी जाइबो कहो संगे ना लईबो। क्या कह रहे हैं, मैं भोर के समय यात्रा आरंभ करूंगा और जंगल के मार्ग में अलक्षित होकर अकेले जाऊंगा, क्योंकि हम महाप्रभु के साथ हजारों लोग रहते थे पुरी में। जब मायापुर से भक्त लोग आते थे, जगन्नाथ जी का बाद में दर्शन करते थे, लेकिन पहले चैतन्य महाप्रभु का जाकर दर्शन करते थे। प्रताप रुद्रदेव को समझ नहीं आया, प्रताप रुद्रदेव कि क्या हो रहा है, जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके महाप्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझाए, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो महाप्रभु है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ जी है। तो कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन, सब लोगों को पता चल जाएगा मैं वृंदावन जाऊंगा तो क्या होगा, भीड़ लग जाएगा, मेरे साथ ही सब चलेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुबह सुबह मैं उठ के चला जाऊंगा और जंगल के रास्ते में जाऊंगा, है ना। कहे यदि संग लईते पाछे उठी धायो, सबारे राखिया ये न केहो ना आए यो। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक ले, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ जाए, अगर हो सकता है कि कुछ लोग भोर भोर भी देख लेंगे मुझे, तो आप लोगों का काम रहेगा उनको रोक देना, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। प्रसन्न भैया आज्ञा दिया दीवा, नामानी व दुख तुम्हा सवार सुखे पथे हबे मोर सुख। तुम लोग कृपया प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दो और दुखी मत हो, यदि तुम लोग सुखी होंगे तो मैं वृंदावन को प्रस्थान करते हुए सुखी हूँगा। आप लोग सुखपूर्वक मुझे परमिशन दीजिए, दुखी मत होइए। तो फिर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या कह रहे हैं, दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, यही इच्छा सही करीबा न परतंत्र। यह सुनकर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु आप पूर्णतया स्वतंत्र है, क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं है, अतः आपकी जो इच्छा होगी आप वही करेंगे। लेकिन हमारा भी कुछ निवेदन है, किंतु आमा दुहार सुनो एक निवेदन, तुम्हारा सुखे हमारा सुख कहिला आपन। आपने तो कहा ना कि हमारे सुख से आपका सुख है, आपने कहा, तो इसलिए हम एक निवेदन करना चाहते हैं। भक्त भी चालाक होते हैं ना, भगवान से भी ज्यादा चालाक हो जाते हैं भक्त कि नहीं है ना। आमा दुहार मने तबे बड़ सुख हयो,
एक निवेदन यदि धर दयामय, हम बहुत सुखी होंगे अगर एक निवेदन आप हमारा मानेंगे, हे दयामय। उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाहिए, भिक्षा करी भिक्षा दीवे या वे पात्र वही। आपके साथ हम एक उत्तम ब्राह्मण भेजना चाहते हैं। आप पता नहीं कहाँ पे आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कम से कम वो अपना भिक्षा करके आपको रसोई करके आपको खिलाएगा, इतना तो कर सकते हैं ना। वन पथे जाइते नाही भोजन ब्राह्मण, आज्ञा करो संगे चलो को विप्र एक जन। आप जंगल में होके जाएंगे, जंगल में कहाँ ब्राह्मण मिलेंगे, जंगल में क्या मिलेंगे, हो सकता है कि वही शवर जाति के लोग मिलेंगे, है कि नहीं। वो तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे, आपको क्या खिला देंगे, है कि नहीं। प्रभु कहे निज संगी कहो ना लाइव, एक जने नीले आने रो मने दुख हईब। बाप रे, उनका एक को लेकर जाऊंगा, दूसरा कहेगा कि मुझे नहीं लेकर गया। जैसे कल भी मेरे साथ यही मजबूरी थी, मैं सोच रहा था किसको लेके जाऊं किसको नहीं लेके जाऊं, लिमिटेड सीट है कि नहीं। तो वही महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं एक को लेके जाऊंगा, दूसरा कहेगा कि अरे देखो मुझे नहीं लेकर गए, है ना, इसलिए मैं किसी को नहीं लेके जाना चाहता हूँ। नूतन संगी हईवे को स्निग्ध यार मन, ये छे ये पाई तबे लई एक जन। ऐसा व्यक्ति नया ही होना चाहिए, उसे शांति चित होना चाहिए, यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब ऐसा हो कि नया हो, नए व्यक्ति को लेके जाओगे ना तो पुराने सब मतलब वो नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेगा, हाँ ठीक है नया था उसको ले गए, महाप्रभु ले गए कृपा करके ले गए, कि नहीं। पुराने किसी को लेंगे तो फिर हमें नहीं लेकर गया। और दूसरा क्या है, उसका मन जो है शांत चित होना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो उनके साथ एक भक्त था काला कृष्णदास। तो काला कृष्णदास जो है वो कहीं पर गलत संग में पड़ गए, महाप्रभु के साथ होते हुए भी गलत संग में पड़ गए, और मतलब वो गलत संग मतलब वो एक ऐसा समाज था साधु के नाम पर, और वहाँ पे वेश्यावृत्ति चलता था, और तो वो जो है उसी के संग में पड़ गए। तो महाप्रभु जो है जाके क्या किए, वो शिखा पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाए थे। तो इसी कारण कह रहे हैं कि इस बार जो जाएगा ना उसका मन शांत चित होना चाहिए, ताकि एक तो मैं जा रहा हूँ और उल्टा मेरे ऊपर और भारी ना पड़ जाए, है कि नहीं। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य, ये देख रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य उनका जो एक्चुअली और एक व्यक्ति, मतलब एक जब मान जाएंगे ना महाप्रभु फिर एक और भक्ति को भी पुश कर देंगे, कहेंगे हाँ ठीक है वो कुकिंग करेगा, आपका कपड़ा कौन धोएगा ना, आपका कमंडल कौन उठेगा, तो ऐसी प्रकार और एक भक्ति को भी कर देंगे। तो इसलिए दो व्यक्ति यहाँ पे जो ले दिया है ना, दो व्यक्ति। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य, तुमाते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तब स्वरूप दामोदर ने कहा यह बलभद्र भट्टाचार्य है, इसे आपके प्रति अत्यधिक अनुराग है, यह सच्चरित्र विद्वान और आध्यात्मिक चेतना में भी उन्नत है। प्रथमे तुमा संगे आईला गौड़ हईते, यहारो इच्छा आछे सर्व तीर्थ करीते, और इसका भी इच्छा है सब जगह में तीर्थ करे, और आपके साथ में आया था। यहार संगे आछे विप्र एक भृत्य, इहो पथे करीबे न सेवा भिक्षा कृत्य। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ब्राह्मण भी ले जाए जो रास्ते में सेवक का काम कर सके और आपको भोजन व्यवस्था कर सके, एक और भी आप ले लीजिए। यहार संग लय यदि सवार हय सुख, वन पथे जाइते तुम्हारो नाही वे क्यों न दुख। यदि अगर ये दोनों लोग जाएंगे तो हमें कोई मतलब हमें भी कोई दुखी, हम दुखी नहीं होंगे और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। सही विप्र बही निबे वस्त्रांबु भाजन, भट्टाचार्य भिक्षा दिवे करी भिक्षाटन। दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र
तथा जल पात्र लिए रहेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांगकर आपके लिए भोजन पकाएगा। तहार वचन प्रभु अंगीकार कैलो। बलभद्र भट्टाचार्य संगे कर लो। अब महाप्रभु मान गए, ठीक है इतना जब कह रहे हैं तो। पूर्व रात्रि जगन्नाथ देखी आज्ञा लोइया, शेष रात्रि उठी प्रभु चली लाल उकाया। तो महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी के पास गए और जगन्नाथ जी से क्या किए, परमिशन मांगे। महाप्रभु से भी परमिशन मांगे, परमिशन मांग के फिर सुबह सुबह उठ के चल पड़े। प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया अन्वेषण करी फिरे व्याकुल होइया। चूंकि महाप्रभु जा चुके थे अतः जब प्रातः काल भक्तों ने उन्हें नहीं देखा तो वे अत्यंत व्याकुल होकर उनकी खोज करने लगे, सहन नहीं कर पाते थे। महाप्रभु का विरह को जो है ना भक्त सहन नहीं कर पाते थे, मतलब एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर पाते थे महाप्रभु के विरह को, है ना, कैसे भक्त थे। तो इधर उधर भागने लगे, कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए कहाँ गए। स्वरूप गोसाई सवार कैलो निवारण, निवृत हया रहे सबे जानी प्रभु रमन। अब स्वरूप दामोदर स्वामी ने कह दिया कि अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, महाप्रभु निकल चुके हैं वृंदावन, कुछ दिन के बाद आएंगे, है ना, तो इसलिए आप ढूंढिए मत इधर उधर। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलीला, कटक डाइने करी बने प्रवेशिला। तो महाप्रभु जो मेन रोड में नहीं गए, कहाँ गए, तो उल्टा रोड में गए ना, अलग रोड में गए ताकि कोई ना चले उनके साथ या कोई ढूंढ ना जाए। तो कटक एक जगह है ना, कटक के बाद भुवनेश्वर पड़ता है, भुवनेश्वर के बाद खोर्धा पड़ता है, खोर्धा के बाद पुरी पड़ता है। तो कटक से जो है वो क्या किए, राइट ले लिए। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण र नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़ी प्रभु र देखिया। जंगल में चल रहे हैं और क्या नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसे नाम लेके जा रहे हैं तो व्याघ्र सिंह जो भी है वो क्या कर रहे हैं, रास्ता छोड़ दे रहे हैं, रास्ता छोड़ दे रहे हैं। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण, तार मध्य अवेश प्रभु करिला गमन। जब महाप्रभु भाव अवेश में जंगल से होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ हाथी गैंडे तथा सुअर आए, महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। देखिए भट्टाचार्य मने हय महाभय, प्रभु र प्रतापे तारा एक पास हय। ये दोनों तो चलते थे पीछे लेकिन बड़े डरते थे, अरे क्या हो रहा है, क्या हम महाप्रभु को बचाएंगे या महाप्रभु हमें बचाएंगे है कि नहीं एको दिने पथे व्याघ्र करिया छे शयन, आवेश तार गाए प्रभु र लागिल चरण। एक दिन एक बाघ जो है रास्ते में लेटा हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रास्ते पर चले जा रहे थे और उनका पांव जो है उस बाघ से छू गया। प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल। अब कृष्ण कृष्ण तो बाघ जो उठ के क्या करने लगा, कृष्ण कृष्ण नाच रहा है, वो नाच रहा ना, है ना। आर दिने महाप्रभु करे नदी स्नान, मत्त हस्ती युथ है आइल करिते जल पान। तो इसी यहीं पे कहीं पे मतलब इसी नदी में महाप्रभु क्या कर रहे थे, जो है स्नान की। तो स्नान करते करते जंगल के हाथी आए, जंगल के हाथी जो है ना बड़े भयानक होते हैं, है ना, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होते हैं ना, उनका कोई कंट्रोल करने वाला होता नहीं है। वो तो जंगल की हाथियों को एक ट्रिक करके महावत क्या करता है, उसको लेकर जाता है और उसको ट्रेन करके फिर गांव वगैरह में चलाता है ना।
बट ये जो जंगल के हाथी होते हैं वो बड़ा मस्त होते हैं कि नहीं, पागल होते हैं जैसे, है ना। तो ऐसे कई झुंड हाथी आए पानी पीने के लिए आए, कितना भयानक होगा दोस्त, है सीन डेंजरस सीन है कि नहीं। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कह बोली प्रभु जल फेली मारिला। आप लोग क्या पानी ऐसे लिए ऐसे मारे, बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो एक महाभागवत अर्थात महान उन्नत भक्त की भूमिका निभा रहे थे। महाभागवत स्तर पर भक्त अपने मित्रों तथा शत्रुओं में कोई अंतर नहीं करता, उस स्तर पर वो सबको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है। विनित साधु वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान विनयी ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। महाभागवत विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने के कारण एक बाघ हाथी या विद्वान में कोई अंतर नहीं देखता। उन्नत चेतना की पहचान यह है कि वो निर्भय हो जाता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है। वो हर जीव को भगवान के शाश्वत अंश के रूप में देखता है और अपनी क्षमता के अनुसार भगवत कृपा से सेवा करता है। मैं भगवान कह रहे हैं, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। महाभागवत जानता है कि कृष्ण सबके हृदय में स्थित है, कृष्ण आदेश देते हैं और जीव उनके आदेशों का पालन करता है। बाघ हाथी सुअर के हृदय में भी कृष्ण है, इसलिए कृष्ण उनसे कहते हैं, हे ये महाभागवत है, इन्हें परेशान मत करना। समझ में आया कुछ? क्योंकि परमात्मा के रूप में तो उसमें बैठे हुए हैं सभी के हृदय में, है ना। तो परमात्मा के रूप में उन पशुओं को परमात्मा क्या करें, अरे ये महाभागवत है, इनको परेशान मत करना, है ना। समझ जाते हैं पशु। तो भला पशु ऐसे महापुरुष से क्यों ईर्ष्या करने लगे। कनिष्ठ भक्तों या भक्ति में कम उन्नत लोगों को महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उन्हें केवल उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल करना और अनुसरण का अर्थ है शिक्षाओं का पालन करना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जाकर कोई सांप को बोलेंगे, बोलो कृष्ण कृष्ण, वो मारेगा पाँव। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनुकरण मत करना, क्योंकि आप महाभागवत बने नहीं हो, है कि नहीं। पहले भागवत तो बन जाओ, महाभागवत बाद में बने, है ना। है कि नहीं। हमें हमारी क्षमता के अनुसार उनके पदचिन्हों का अनुगमन करने का सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। महाभागवत का हृदय भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त होता है और वो बाघ हाथी जैसे हिंसक पशुओं तक का मित्र बन सकता है। वस्तुतः महाभागवत उनके साथ अपने घनिष्ठ मित्रों जैसा ही व्यवहार करता है। इस स्तर पर पहुंचकर ईर्ष्या का प्रश्न नहीं उठता। जब महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तब वे भावावेश में थे और वे इस जंगल को वृंदावन समझ रहे थे, वे तो केवल कृष्ण की खोज कर रहे थे। सही जल बिंदु कोण लागे यार गायो, सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गायो। जिस जिसको वो पानी का बूंद पड़ा जिस हाथी के ऊपर, तो क्या करने लगे, कृष्णा कृष्णा, ये देखो हाथी नाच रहा ना, ऐसे ही सब हाथी नाचने लगे कृष्णा कृष्णा कहकर, है ना। केहो भूमि पड़े केहो करो ये चित्कार, देखी भट्टाचार्य मने होए चमत्कार। भट्टाचार्य पीछे से देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, मतलब सिर्फ नाच नहीं रहे हैं, कोई पागल हो गया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मतलब कोई गिर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मतलब आंसू भी गिरा रहा है। पशु जो है ना, उनके आंखों से अश्रु भी निकल रहा है, है ना। देखिए भट्टाचार्य ने मना है चमत्कार, बड़ा ये तो चमत्कार चीज है। एक्चुअली अगर ये दोनों ना भी होते ना,
तो हमें पता भी नहीं चलता ये लीला के बारे में। महाप्रभु थोड़ी आगे जाके बोलते, अरे तुम्हें पता है झारखंड में गया था सब पशुओं को नचा के आया हूँ, क्या समझ रहे तुम मुझे, ऐसे बोलते महाप्रभु। महाप्रभु तो नहीं बोलते ना, ये तो भक्तों की कृपा है, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय की कृपा है कि दो भक्तों को भेज दिए, तभी जाके हम इसको पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या जी, उनका नाम नहीं बताएगा है ना। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े, कुछ प्रेम बस चिंगारने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया। पथयाते करे प्रभु उच्च संकीर्तन मधुर कंठ ध्वनि सुनी आई से मृगी गण। तो महाप्रभु चल रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे पथे जाते करे प्रभु उच्च संकीर्तन। उच्च में संकीर्तन कर रहे हैं, ऐसे माइक स्पीकर लगा के नहीं, हमारा माइक स्पीकर हटा तो यहीं से वहां तक तो आवाज नहीं पहुंचेगी। और क्या है, मधुर कंठ ध्वनि, हमारे जैसे बेसुरा नहीं मधुर मधुर कंठ ध्वनि है ना। जब मधुर कंठ ध्वनि सुने तो ऐसे मृगी गण, कौन आए, हिरणिया, हिरणिया जो है निकट में आ गई। दाहिने बामे ध्वनि सुनी आय प्रभु संगे, प्रभु तार अंग मुछे श्लोक पड़े रंगे। उनका उच्च स्वर सुनकर हिरणिया उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनकी पीठ थपथपाते, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनका पीठ थपथपा रहे हैं और एक श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं जो कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जो कि कृष्ण लीला में भी हुआ था। कृष्ण लीला में भी ऐसे ही हुआ था, कृष्ण जो है जो हिरण्या का है ना पीठ थपथपाते ना। धन्या समूढ़ा मतयोपि हरिण्येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरहितम सह कृष्ण सारहा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोके। वे मूर्ख हिरण धन्य है क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निसंद हिरण और हिरणिया प्रेम की चित वनों से भगवान की पूजा करते हैं। तो ये भागवत में लिखा हुआ है, कैसे वृंदावन में भी ऐसे हिरण हिरणिया जो है भगवान जी के पास आते थे। हेन काले व्याघ्र तथा आईलो पांच सात व्याघ्र मृगी मिली चले प्रभु महाप्रभु र साथ। बड़ा आश्चर्य की बात हुआ, हिरणिया चल रहे हैं और साथ में बाघ आ गए, है कि नहीं, बाघ और हिरण कभी साथ में रहते हैं है कि नहीं, और बाघ भी जो है
वो भी चलने लगे, है ना। देखी महाप्रभु रो वृंदावन स्मृति हईल, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िल। तो जैसे ही देखा महाप्रभु कि क्या हो रहा है कि ब्याग भी चल रहे हैं और हिरण भी चल रहे हैं, तो तुरंत वृंदावन का स्मरण हो गया महाप्रभु को। महाप्रभु तो हमेशा वृंदावन का ही स्मरण होता है, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं वो। कहीं पे भी थोड़ा काला पानी दिखेंगे ना, आए यमुना। तो काला बादल देखेंगे, आह कृष्णा, है ना। मेघ कमलो श्यामलांगो, क्योंकि भगवान जी का जो रंग है वो मेघ वर्ण है। तो इसी प्रकार जो है, तो तुरंत महाप्रभु को स्मरण आ गया। तो स्मरण आ गया तो पढ़ने लगे, यत्र नैसर्ग्य दुबैरा महासन्नो मृगादयः मित्राणि वाजिता वसा द्रुत रुटतर्षकणादिकम्। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, वहाँ न भूख है न क्रोध न ही प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, किंतु वे वहाँ दिव्य भाव में मैत्रीपूर्वक रहते हैं वृंदावन में। बोले वृंदावन धाम की। यह कथन श्रीमद् भागवतम के का है। श्री कृष्ण के बछड़ों और गोपाल बालकों को चुरा कर ब्रह्मा जी ने उन्हें सुला दिया था और छिपा दिया था। एक क्षण बाद ब्रह्मा कृष्ण की दशा देखने आए। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अब भी अपने ग्वाल मित्र तथा पशुओं के साथ व्यस्त है और तनिक भी विचलित नहीं है, तो उन्होंने वृंदावन के दिव्य वैभव की प्रशंसा की। बोलिए मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण कृष्ण कह करी, कृष्ण कृष्ण कह करी, प्रभु यबे बोलिला, प्रभु यबे बोलिला, कृष्ण कही व्याघ्र मृग, कृष्ण कही व्याघ्र मृग, नाचिते लागिला। तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण 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 कृष्ण, तो क्या हुआ, बाघ और हिरण दोनों जो है क्या करने लगे, नाचने लगे और बोल भी रहे थे। क्या बोल रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाचे कुदे व्याघ्र गण मृगी गण संगे, बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे, तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन, मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन। बड़ा गजब हो गया, बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, हरि वो, और एक दूसरे का मुख स्पर्श करके चुमने लगे। वाह, कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला, ता सभा के तहा छाड़ी आगे चली गेला। महाप्रभु सब देख के बड़ा है? वो मंद हास करने लगे। अंत में उन पशुओं को छोड़कर महाप्रभु अपने रास्ते पर चल दिए। मयूरादि पक्षी गण प्रभु रे देखिया संगे चले, कृष्ण बोली नाचे मत तो हैया। तो कहीं कहीं पे मोर भी थे, तो भी क्या करने लगे, महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो बोली प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित सही ध्वनि सुनी। से पशु नहीं, कौन और नाचने लगे, वृक्ष लता पेड़ पौधे भी जो है वो भी झूम रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना इतना शक्तिशाली है कि यह वृक्षों तथा लताओं के भी कानों में प्रविष्ट हो सकता है, पशुओं तथा मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या है। एक बार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि पेड़ पौधों का किस तरह उद्धार किया जा सकता है। इस पर हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च स्वर से कीर्तन से केवल पेड़ पौधे अपितु कीड़े मकोड़े तथा अन्य सभी प्राणी भी लाभान्वित हो सकते हैं, है कि नहीं। अतः हरे कृष्ण के उच्च ऊंचे कीर्तन से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कीर्तन करने वाले के लिए ही नहीं अपितु इसे सुनकर सुनने का अवसर पाने वाला वाले हर एक श्रोता के लिए लाभप्रद होता है कि नहीं। तो जिसको भी सुनाई देता है वो सब उनको लाभप्रद होता है। लेकिन दुख की बात है, कई लोग कई प्रकार के शिकायत करते हैं, अरे दिखावा कर रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। दिखावा करने की क्या ज़रूरत है ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है, भगवान जी को डिस्टर्ब कर हो रहा है, भगवान डिस्टर्ब कर रहे हैं, भगवान जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, है कि नहीं। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर भी इसका पुष्टि किए थे ना, बल्कि हरिदास ठाकुर कह रहे थे अगर हम बहुत जोर से कृष्ण का नाम लेते हैं तो जो हमें लगता है कि इको हो रहा है, हरिदास ठाकुर कहते हैं वो इको नहीं होता है, वो पेड़ पौधा आपको प्रतिध्वनि करते हैं, कोरस करते हैं, है ना। बोले गौरांग, झाड़ी खंड स्थावर जंगम आछे यत कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमे ते उन्मत्त। इस तरह झारखंड के वन में वन के सारे चर अचर जीव महाप्रभु द्वारा ध्वनित कृष्ण का पवित्र नाम सुनकर मतवाले हो रहे थे। तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु ये झारखंड जंगल में जब भी गए, जितने भी पशु थे, पशु पेड़ पौधा सबको जो है वो प्रेम बांट बांट के गए। यही ग्राम दिया यान यहाँ करे न स्थिति से सब ग्रामेरे लोकेरो हय प्रेम भक्ति। और जितने लोग भी आए महाप्रभु जिन जिन गांवों से होकर गए और जिन जिन स्थानों में यात्रा के दौरान रुके वहां के सारे लोग पवित्र हो गए और उनमें भगवत प्रेम जागृत हो गया। कहो यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम तार मुखे आनो सुने तार मुखे आनो सवे कृष्ण हरि बोली नाचे कान देहासे परंपराय वैष्णव हईल सर्वे देशे। यदि किसी ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से पवित्र नाम का कीर्तन सुना और अन्य किसी ने इस व्यक्ति से यह कीर्तन सुना और पुनः तीसरे व्यक्ति से और किसी ने सुना तो इसी तरह की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सारे देशों के लोग वैष्णव बन गए। हरि वो गुरु शिष्य परंपरा हो गया ना, महाप्रभु किसी को बोले वो सुना और किसी को बोल दिया वो उसके बोल दिया। जैसे एक बार ऐसे हुआ था, महाप्रभु जो है जा रहे थे और कहीं पे एक धोबी जो है ना कपड़ा पिट रहा था, पटास पटास पिट रहा था, तो महाप्रभु जाके बोले बोल हरि बोल, तो वो चुप रहा कुछ नहीं बोला। फिर महाप्रभु दोबारा बोले बोल हरि बोल, चुप हो गया कुछ नहीं बोला। तीसरी बार जो बोले बोले गुस्सा आ गया उसको, बोला नहीं बोलूँगा हरि बोल नहीं बोलूँगा हरि बोल। तो महाप्रभु उसको आलिंगन किए, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही महाप्रभु उसको आलिंगन करके चल गए तो नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निदय गोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उसकी पत्नी आई दोपहर में खाना देने के लिए, टिफिन लेकर आई, ये क्या हो गया नाच क्यों रहा है ये, बोला शायद ये यहाँ से भूत प्रेत पकड़ लिया होगा। तो बोला क्या हो गया तुम्हें नाच क्यों रहे हो, तो वो तो नाच रहा है अपना हरि बोल बोल। तो गया किसी को बुला, आओ आओ देखो देखो मेरे मेरे पति को भूत लग गया है। तो वो भी आया, अय क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे,
हैं, चुप जा, क्योंकि जैसे जाके उसे टच कर दिया वो भी करने लगा हरी बोल हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसकी पत्नी डर गई, तेरे बाप रे, ये तो जो भी जाके छू रहा है भयंकर भूत है। तो जाके तांत्रिक को बुला के ले आए। तांत्रिक आया, कहता अभी अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। लिया उसने लोहे का छड़, लिया छड़ लेके मारा, एक ऐसे ही मारा, मार के वो भी नाचने लगा हरि बोल 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 हरि बोल। कॉन्टामिनेटेड डिजीज कोरोना उससे भी ज्यादा फैलने वाला है। आपको एक बात, आप लोग सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं पता, प्रभुपाद जी जो टाइप करते थे ना, जो टाइपराइटर, उस टाइपराइटर का नाम था कोरोना। हाँ सुने, उसमें लिखा हुआ था कोरोना। और उसी से आज पूरा संसार पीड़ित हो गया। कोरोना भी चलेगा, कोरोना 10,000 तक साल तक पीड़ित रहेंगे लोग, और भी कंटामिनेशन और भी बढ़ने लगेगा है। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो है ना, ऐसी प्रकार सब गांव में करने लगे। तो आखिर ये तात्पर्य पढ़ के हमें इसको विराम देंगे। यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य शक्ति का वर्णन हुआ है। पहली बात यह है कि पवित्र नाम का उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया जा रहा था। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष उससे उनसे सुनता है तब वो शुद्ध हो जाता है। जब अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति से सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है। इस तरह शुद्ध भक्तों में शुद्धि की यह प्रक्रिया चलती रहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कोई भी उनकी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता। फिर भी किसी शुद्ध भक्त के उच्चारण से हजारों लोग शुद्ध हो सकते हैं। यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है, वसरते कि वो निरपराध होकर तथा भौतिक स्वार्थ से रहित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। इस तरह निरपराध भाव से जब कोई शुद्ध भक्त कीर्तन करेगा तो दूसरा व्यक्ति वैष्णव बन जाएगा और तब उससे अन्य वैष्णव प्रकट होगा। यही परंपरा पद्धति है। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, चरण पहाड़ी यात्रा की, आप सब गौर भक्तवृंद की जय है कि नहीं। तो महाप्रभु जब पशुओं को नचा दिए